चलिए यहाँ पर बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग का आज का दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा। पहला मुकाबला तो कवर नहीं किया था, इनका रीजन था कि लंका प्रीमियर लीग का कल जो फर्स्ट मुकाबला खेला गया था शुरुआत कुछ खास रहा नहीं था, तो उम्मीद करेंगे कि यह मुकाबला हम लोगों के लिए बेहतर जाए। कैप्टन वीसी के बहुत सारे अच्छे च्वाइस है इस मुकाबले के लिए देखा जाए तो, और सीएस की टीम जो एक मुकाबला ऑलरेडी खेल रखे उसमें से कुछ ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो लास्ट मुकाबले पे नहीं चले थे और जो लास्ट मुकाबले पे चले थे वो कुछ उलट होने वाला है, तो ज़बरदस्त टीम बनाने का प्रयास करेंगे। मैच थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा और रिस्की के साथ ही हम लोग खेलने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर यदि आप भी इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावे जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट फर्स्ट जो होता है वहाँ पर पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पर चले आओगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो एक टीम ऑलरेडी एक मुकाबला खेल रखा है। देखो लास्ट मुकाबले मैंने ओपनर को कैप्टन वीसी सोचकर मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना बैटिंग लाइनअप में रोंग आया। डिक विला अगर यदि कैप्टन आता तो कैप्टन से हम लोगों का सेम होने वाला था, मैंने सोचा वहाँ पर दिखाया पाथुम निशंका, तो मैंने पाथुम निशंका को कैप्टन से दे दिया था, तो थोड़ा सा उलट फेर हुआ और टीम पे भी उलट फेर हुआ। डिक विला अपने घर पे खेल रहे, इंपॉर्टेंट तो रहेगा, इनके साथ बाबा राजा और पाथुम निशंका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नविंदु फर्नांडो को मैंने ट्राई ज़रूर किया था, अच्छे ये खेल दिखा रहे थे, लेकिन वो स्पिन के आगे ये कैच आउट दे गए, नहीं तो एच विजन दो जो था उनको दो छक्के जड़े थे काफ़ी सुंदर सा। मोहम्मद नवाज चार ओवर गेंदबाजी किया, साथ में बल्लेबाजी यानी कि देखा जाए तो तीन आउट होने के बाद ये आ जाएंगे, तो कैप्टन वास का काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा, थोड़ा सा इन लोग पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। इनके अलावे वाई लंका की बात किया, ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन जीएल पे ही ट्राई करना, एसएल के लिए बेहतर नहीं है। सी करुणारत्न स्मॉल लीग के लिए बेहतर च्वाइस है, इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करे तो कैप्टन वीसी भी दे सकते हो, क्यों? क्योंकि ये बल्लेबाजी तो कर लेता है साथ में डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है। आर मेंडिस पार्ट टाइम गेंदबाजी करेगा, साथ में बल्लेबाजी ठीक ठाक लेकिन थोड़ा सा नीचे ये आता है। बाकी गेंदबाजी के तौर पर देखा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो महेश पथिराना होगा, क्योंकि ये डेथ ओवर में डालता है, जिस तरह स्लोवर का इस्तेमाल करता कमाल का है। मोहम्मद नवाज यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा, इनके अलावा सी करुणारत्ने भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद नवाज या सी करुणारत्ने बल्ले से भी योगदान देंगे। इनके अलावा एम पथिराना एकमात्र डेथ गेंदबाज जो कि अच्छे खासे लय में भी दिखाई दे रहे हैं, चेन्नई के लिए खेल रहे थे। संडकन काफ़ी बढ़िया लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इनका करियर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, हालांकि एक विकेट ले गए लेकिन चार ओवर करना चाहिए। एनसा शुरुआती झटके पावर प्ले के लिए बेस्ट गेंदबाज है, अगर यदि उनके ओपनर के ऊपर डाउट है तो वो एनसा ही उनका विकेट ले सकता है, इन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे टीम का यहाँ पर देखा जाए, वी लव इनका स्पॉन्सर रखा गया, इनका टीम का नेम है जो मतलब की टीम को खरीदा है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जमल है, आमिर जमल, आपको पता होगा ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है लेकिन क्या खेलेगा। लसित की बात के ये भी ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन जीएल पर ट्राई करना। सहन अर सिंघे की बात के काफ़ी कमाल का, हम लोग कैप्टन वीसी भी देते थे याद होगा आप लोग, डोमेस्टिक में गेंदबाजी भी करता बल्लेबाजी भी करता, अब देखना ये दिलचस्प होगा कितने गेंदबाज इनके खेल रहे हैं, फिर उसी के अनुसार हम लोग ये तो डिसाइड कर लें कितना ओवर ये डालेगा। आसिफ अली पाकिस्तान का बढ़िया बल्लेबाज, थोड़ा सा मिडिल पे आता है, आने के साथ छक्के चौके पे विश्वास करता। असन भंडारा जिसका डोमेस्टिक करियर बहुत ज़्यादा बेहतर गया, मिडिल पे आते थे और हमेशा रन ये बनाकर जाते थे, तो भंडारा यहाँ से इंपोर्टेंट रहेगा, जीएल के लिए भी बढ़िया च्वाइस है। डी चमीरा फर्स्ट गेंदबाजी, पहले गेंदबाजी इनकी टीम करेगा तो ज़्यादा घातक साबित होगा क्योंकि डेथ में डालेगा। दिनेश चंडीमल काफ़ी अनुभवी, अनुभव की कोई कमी नहीं, रिकॉर्ड भी इसका ठीक ठाक है, तो दिनेश चंडीमल विकेट कीपिंग सेक्शन पर उपलब्ध है और अच्छा च्वाइस है। टी डबारे की बात है, इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो चलता है वो श्रीलंका का डोमेस्टिक ओडीडी जो चल रहा था T20 वहाँ पर ये लगातार बेहतर कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर बेहतर कर पाएगा? ऑलरेडी दो विकेट कीपर डिक विला और दिनेश चंडीमल
बेहतर है। ड्रीम इलेवन पे चाहो तो इन लोगों को ट्राई कर सकते हो। सिटी सिल्वा ठीक ठाक है, डब्लू हसरंगा इनके बारे में जो भी बोला जाए कम है। कैप्टन भास का बेस्ट ऑप्शन रहेगा, गजब का ये स्पिन गेंदबाज है। फखर जमान क्या खेलेंगे, अगर यदि खेलेंगे तो ओपन आएंगे, इंपोर्टेंट रह सकता है। नवान प्रदीप यहाँ पर डी चमीरा के साथ डेथ में गेंदबाजी करना चाहिए। इनके अलावा एल मधुशंका का भी रिकॉर्ड बढ़िया है, जो श्रीलंका ए, इंग्लैंड ए, साउथ अफ्रीका ए, इन लोग के साथ ये खेल रहे थे। एंजेला मैथ्यूज ठीक ठाक रिकॉर्ड है, पार्ट टाइम गेंदबाजी ये कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर खेलता है। अब कितने नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएंगे, अगर यदि टॉप ऑर्डर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंडो मेंडी जबरदस्त ये ऑलराउंडर है, जब अंडर 19 श्रीलंका के चल रहा था तो वहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से। इसी बल पे इन्हें नेशनल टीम पे भी मौका मिला था। मोहम्मद हारिस अभी जो पाकिस्तान ए इंडिया ए में चल रहा था वहाँ पर ये विकेट कीपिंग सेक्शन में था, आने के साथ ये छक्के चौके पे विश्वास करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद हसनैन ये भी डेथ ओवर के लिए बेस्ट माना जाता है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी बढ़िया इन्होंने डेथ में गेंदबाजी भी किया है। इनके अलावा यहाँ से देख सकते हो बस ये लोग इसरो उड़ाना खेलने का चांस काफ़ी ज़्यादा अधिक है, खेलेगा तो बढ़िया चॉइस है। देखो ये एक ऐसा गेंदबाज है जो 4 से 5 गेंदे मिलने पर ना 12 से 16 रन जड़ देता है और गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया करता है, बाएँ हाथ का स्लोअर का भी इस्तेमाल करता है और श्रीलंका के पिच पे स्लोअर गेंदबाज को ज़्यादा मदद है। सुरेश रैना टीम का हिस्सा नहीं है और नहीं खेलने वाले हैं, नहीं तो सुरेश रैना खेलता काफ़ी बढ़िया, हमारा सबसे फेवरेट खिलाड़ी सुरेश रैना है। मैं जब भी इंडिया का मैच देखता था इंडिया को विन से ज़्यादा मैं ये चाहता था कि सुरेश रैना अच्छा कर जाए, हालांकि नहीं खेलने वाला, अगर यदि खेलता तो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात रहती। तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों CS का बेस्ट प्लेयर के तौर पर देखा जाए निरोशन डिकवेला का नाम आता है, बाबर आजम, पाथुम निशंका, इनके अलावा सी करुणा रत्न, मोहम्मद नवाज, दोनों कैप्टन बीसी का बढ़िया चॉइस रहेगा। अब यहाँ से देखो एम पथी राना, अब इनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो एन शाह, पहले बल्लेबाजी करेगा तो एल संडकन को मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ। सामने की टीम से देखा जाए तो यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा इसरो उड़ाना, पहले गेंदबाजी पर डी चमीरा, और अगर यदि सेकेंड गेंदबाजी देखी जाए तो अगर यदि मुजीबर रहमान खेलते हैं तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन हमें नहीं लगता खेलने के चांस इनके कम है। डब्लू हसरंगा यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाएगा, इनके अलावा सहन अर्सिंगे यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाएगा, दोनों चीज़ आपको करके देगा। अब यहाँ से बात आती है कि कौन से प्लेयर, देखो फखर जमान खेलेगा तो इंपोर्टेंट यहाँ से हो जाएगा, वरना यहाँ से देखा जाए तो मुझे असन भंडारा का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया लगा तो मैं यहाँ से उनको मैं पिक कर रहा हूँ। कैप्टन बीसी के यहाँ पर देखो दो चॉइस यहाँ पर प्रबल दावेदार होना चाहिए, डब्लू हसरंगा, मोहम्मद नवाज, या मोहम्मद नवाज, डब्लू हसरंगा। थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहोगे सी करुणा रत्ने के ऊपर जा सकते हो, लेकिन सेफ सटीक के तौर पे देखा जाए तो इन दोनों का नाम यहाँ से आता है। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए आपको ये टीम सेव करके रख लेना, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए।